मायावती पर आचार संहिता का बैन हटते ही आदित्य योगीनाथ पर उठा ये सवाल। किस बात को लेकर लगा था बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती व बैन? चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बोल पर चुनाव आयोग के दो दिनों का बैन हटते ही बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की मुखिया मायावती ने यूपी सीएम आदित्य योगीनाथ को चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने गुरुवार को सुबह ट्वीट करके योगी पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया और बीजेपी पर मेहरबानी करने का आरोप लगाया। मायावती ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर इतना मेहरबान क्यों है। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान मायावती के ऊपर 48 घंटे और योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे तक का चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई थी। इस दौरान योगी लखनऊ से लेकर अयोध्या तक कई मंदिरों में गए। अयोध्या में वह एक दलित के घर पहुंचे और यहां खाना खाया। वह पूरी तरह से निजी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया, ना मीडिया में कोई बात की, लेकिन मीडिया में खूब चर्चा में रहे। ऐसे में मायावती ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट में कहा है कि अगर ऐसा भेदभाव व बीजेपी नेताओं के प्रति चुनाव आयोग का अनदेखी व गलत मेहरबानी जारी रहेगी तो फिर इस चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष कैसे हो पाएगा? असंभव इस बात के मामलों को जनता की बेचैनी का समाधान कैसे होगा? बीजेपी के नेतृत्व आज भी वैसे ही मनमानी करते तुला है जैसे वह अब तक करता आया है। उन्होंने दूसरे ट्विटर अकाउंट में कहा कि चुनाव आयोग की पाबंदी का खुला हुआ उल्लंघन करके यूपी सीएम योगी शहर शहर मंदिरों में जाकर एवं दलितों के घर बाहर का खाना खाने आदि का ड्रामा करने तथा उनको मीडिया में प्रचारित प्रसारित करवाने का चुनावी लाभ लेने का गलत प्रयास लगातार कर रहे हैं, किंतु आयोग उनके प्रति मेहरबानी क्यों कर रहा है? क्यों करता है चुनाव आयुक्त यह भेदभाव? बीएसपी सुप्रीमो ने योगी का ड्रामा करके खुद का प्रचार करवाने आरोप लगाया है। मायावती ने यूपी सीएम पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि चुनाव आयोग क्यों करता है भेदभाव चुनावों के टाइम पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।